कानपुर के कोर्ट में, जहां पे मैं आपको बता दूं रोहित कपूर प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जो कि इस वक्त शहर भर में छाया हुआ है, क्योंकि एक ऐसा प्रकरण है, ये सिने अभिनेता कह सकते हैं, पुरानी फिल्मों में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेम चोपड़ा से रिलेटेड है। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ पुष्पत अधिवक्तागण यहाँ पे मौजूद है कानपुर के, जो हमें बताएंगे आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, आखिर इस प्रकरण से क्या सारी चीजें हैं, भांति दर भांतियां, पंक्ति दर पंक्तियां जो खुलती चली जा रही हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के मौजूद है आनंद सेठी, जो इस पूरे केस को देख रहे हैं। आनंद जी बताइए क्या है पूरा केस? ये कानपुर में कंपनी की चल रही थी, उस कंपनी में डायरेक्टर थे और डायरेक्टर पास से इस्तीफा देने के बाद ये दुबई चले गए थे और दुबई से बैठे बैठे इन्होंने उस जमीन का सौदा जो है अपने डायरेक्टर पद पर न रहते हुए किसी और समीर अग्रवाल को कर दिया था। तो उसी प्रकरण में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई थी कानपुर कोतवाली में 55/15 में। तो उसी प्रकरण में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश किया था, उस आदेश के तहत इन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने इनको जेल भेज दिया। ओके, तो अभी इसके बाद अब नेक्स्ट डेट इनकी कौन सी लगी है? अभी वो जेल में है, इनकी बेल का कैसा क्या कुछ होगा? अभी ये जेल में और सेशन में इनके लिए बेल जो दाखिल उनके काउंसिल जो वो दाखिल करेंगे और उसमें नियमानुसार हम लोग आगे वॉच करके आगे करेंगे। आप इस केस में क्या आपके व्यूज रहेंगे, क्या सारी चीज़ें आप इस केस को समझाए कि अगर किसी भी शख्स का इंडिया के बाद दुबई भागना ये क्या साबित करता है अपने आप में? रोहित कपूर इंडिया छोड़ के दुबई भाग गए थे, कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे और कंपनी के डायरेक्टर सिर्फ न होते हुए भी कंपनी की प्रॉपर्टी को उन्होंने दूसरे को बेची थी। इस संबंध में एक FIR कराई गई थी, FIR करा के कोर्ट ने NBW जारी किया था। इवन वो दुबई में थे, दुबई में रेड कार्नर नोटिस भी कोर्ट ने जारी किया था। जब रेड कार्नर नोटिस जारी हुआ था उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में उनको डायरेक्ट किया कि पहले जाके आप विधि ने भी आप कोर्ट में आत्मसमर्पण करिए, सरेंडर होइए। उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो कल माननीय न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया, जिसमें आर्गुमेंट सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने उनकी बेल खारिज करके उनको जेल भेज दिया और अब उनकी बेल उनके अधिवक्ता जिला जज महोदय के यहाँ दाखिल करेंगे, जहाँ हम लोग उनकी बेल की आपत्ति दाखिल करेंगे और अपोज करेंगे। सुनील जी, अक्सर ये देखा गया है खास तौर पे जब न्यायपालिका किसी चीज़ में हस्तक्षेप करती है तो चीज़ें काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइप की हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो क्या आज भी लोग न्यायपालिका से डरते हैं या फिर कुछ नहीं समझते हैं जो ऐसे अप्रिय चीज़ें करते हैं? नहीं, न्यायपालिका से लोग डरते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आदि हो गए अपराध करने के लिए, जो जानते हुए भी अपराध करते हैं, उसी तरह का अपराध इन्होंने किया हुआ है, जानबूझ के अपराध किया हुआ है और न्यायपालिका से बचने के लिए वो यहाँ से लेकर लगातार 2015 से 2018 तक 3 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, यहाँ से लेकर हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिली। अल्टीमेटली उनको आके यहाँ सरेंडर करना पड़ा और सरेंडर करने के बाद वो कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, उनकी बेल लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये थे हमारे साथ आनंद सेठी और सुनील जी, जिन्होंने बताया केस की क्या पूरी आखिर रोहित कपूर पूरा प्रकरण है। इन्होंने बताया कि ऐसे सारी जो चीज़ें होती हैं अपने आप में, क्योंकि न्यायपालिका से कोई भी नहीं बचा है, अगर कोई भी चीज़ें, क्योंकि कानून अंधा भले होता है मगर उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में ज़रूर दिखती हैं। इसी के साथ कैमरामैन रजत के साथ आकाश, इंडिया लाइव TV, कानपुर कोर्ट, उत्तर प्रदेश।